नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी नसीब की रफ्तार 100 गुना बढ़ेगी। आपके हाथों से अब होगा बड़ा चमत्कार। जो भी चीज़ को छुएंगे मिट्टी भी सोना बन जाएगा। जो दोस्तों बहुत ही बड़ी योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं, जिनके कारण दोस्तों आपके हाथों से अब जादू होना निश्चित है। आने वाले 7 दिनों तक आप शुभ के जुन काल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शादी दोस्तों, जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपकी बुराई करते थे, उनके भी होश उड़ जाएंगे, बशर्ते आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और उनकी आंखों में दुख के। क्यों दोस्तों, आपकी अच्छाई ही उनके लिए बुराई है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 7 दिनों तक आपके कुंडली में जो योग बने हैं आपके लिए बहुत ही धन लाभ कराने के योग हैं। दोस्तों, अगर आप यश में थोड़ी सी नादानी करेंगे, थोड़ी सी भी अगर भूल करेंगे तो दोस्तों इन लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यश में थोड़ी सी सावधानी को रख लेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों आपके जुनकाल में मनचाहे परिणाम आप आने वाले 7 दिनों तक हासिल करके ही रहेंगे और कोई दुश्मन भी आपका यश में बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि गुरु और शुक्र की जो स्थिति है यश में बहुत ही प्रबल है, साथ ही शनि तो आपके उच्च में ही चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको इनसे बचने के लिए कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, आने वाले 7 दिनों तक आप सभी को बता दें कि जो आपकी कुंडली में योग बने हैं दोस्तों, आपके सभी प्रकार के बिगड़े कार्य बना देंगे। सभी प्रकार की जो भी आपकी आर्थिक तंगियां हैं उन सभी को दूर करने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण सावधानी आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल को बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा आप सभी के जीवन काल पर होगी, आपके सारे कष्ट आने से पहले ही खत्म कर देंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में जो ग्रहों की स्थिति बनी है दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 बड़े शुभ योग बन चुके हैं जो कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों तक आपके राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 7 दिनों में जो गुरु और चंद्र की स्थिति है दोस्तों, शुभ तो होंगी। चाहे दोस्तों शनिदेव का भी प्रभाव आपके जुनकाल पर मिलेंगे, जिससे दोस्तों पिछले समय के अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। साथ ही जो राहु का प्रभाव, उनमें आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी होंगी। तो दोस्तों आगे वीडियो में बहुत ही गंभीर बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें ध्यान से आगे देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जो वीडियो को थोड़ा सा देखकर थोड़ा स्किप कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह उनके हाथों से छूट जाती है और दोस्तों फिर वह कमेंट करते कि हमारा यह चीज़ कैसे होगा। इसलिए दोस्तों हमारा आप सभी से बस यही निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, अगर आप उन्हें करके अपने जुनकाल में सफल हो गए तो दोस्तों आज का यह मेहनत हमारा भी सफल हो जाएगा। जी दोस्तों इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 7 दिनों तक आप शुभ के जुनकाल में आपको कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलेंगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, साथ ही कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, परंतु सभी की खुशी के आगे यह खर्चा जो है नगण्य रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए यश में फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। दोस्तों विद्यार्थी व फिर युवा वर्ग यश में अपनी पढ़ाई व फिर करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने बजट का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों कुछ समय सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी अवश्य निकालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे दोस्तों अपने संपर्क सूत्र और अधिक मजबूत आप कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। कभी कभी अहम की वजह से काम आपका खराब हो सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप पर भावनाओं का प्रभाव अधिक रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो है इंश्योर महसूस हो सकता है। दोस्तों जिन लोगों के द्वारा आपको भावनाओं तक सुरक्षा महसूस होती है उनके साथ अधिक वक्त बिताएं। आपके द्वारा रखी बातों को किसी के द्वारा नकार मिलना आपके लिए दुख का कारण भी हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों बच्चों की पढ़ाई और फिर करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत दोनों आपको प्राप्त होगा। किसी परिजन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से भी मन बहुत प्रसन्न रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी किसी कमजोरी पर भी विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और कामयाबी भी यश में आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आर्थिक रूप से समय कुछ उतना उत्तम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, फिर भी दोस्तों किसी भी प्रकार के निवेश या फिर लेन देन करने से आपको उनसे बचना चाहिए। कोई भी भावनात्मक रूप से आपको बेवकूफ बना सकता है, तो दोस्तों इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। भूमि या फिर वाहन संबंधी लेन देन करते समय या फिर लोन लेने से पहले आपको बता दें किसी की सलाह ले लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा संबंधित निर्णय आपके बदल सकते हैं। दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण काम संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आगे के लिए आपके बहुत ही लाभदायक और सहायक साबित होगा। दोस्तों आपके द्वारा मेहनत का फल यश में आपको प्राप्त होगा। यदि आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों किसी के साथ चर्चा करके ही निर्णय करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। दोस्तों प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता भी प्राप्त होगी और साथ ही दोस्तों पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई मतभेद भी सुलझाने से आपसी संबंध भी यश में मधुर हो जाएंगे। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्ग भी आपके स्वभाव से प्रसन्न रहेंगे, तो दोस्तों यश में उन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी परिवार को लेकर मन में असुरक्षा जैसी भावना आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में यह सिर्फ आपका वहम होगा। खर्चों की अधिकता परेशान आपको कर सकता है। दोस्तों वाहन चलाते समय आपको मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनसे आपका नुकसान हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि युवाओं का अधिक ध्यान पैसे कमाने पर रहेगा। यदि पारिवारिक व्यापार का हिस्सा है तो दोस्तों व्यापार संबंधी कोई भी निर्णय बड़े बुजुर्गों या फिर बुजुर्ग व्यक्ति से आप जरूर चर्चा कर लें, ये आपके आगे के लिए बेहतर होंगे। इसे दोस्तों आप गलतफहमियों से बच पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आपके लिए जैसे समय होंगे लंबे समय से चल रही किसी चिंता व फिर तनाव से यश में आपको राहत मिलेगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी आप अधिक ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यश में लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियाँ बनाने वाले हैं। दोस्तों किसी पुराने झगड़े के सुलझने से मानसिक तनाव भी आपका बेहतर होगा और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि जल्दबाजी की वजह से कुछ स्थितियां बिगड़ सकती है, अपने व्यवहार को जो है सजग बनाकर रखें। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पाने की इच्छा में आप नुकसान अपना करवा सकते हैं, तो दोस्तों खासकर इसमें आपको भूमि को लेकर सावधान भी रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी व्यापार को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आपके व्यापार संबंधी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए समय उचित होगा। नए व्यावसायिक अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे, परंतु दोस्तों यश समय किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी में किसी कार्य को करने में दिक्कत भी आएगी, सहयोगों की मदद आपकी परेशानी को इसमें दूर करेगा, तो दोस्तों यश में सहयोगियों से मदद लेना बिल्कुल ना भूलें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि कामकाज में आपकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में कुछ कमी भी रहेगी। खुद को साबित करने के लिए संघर्ष और परिश्रम की ज़्यादा जरूरत होगी, तो दोस्तों यश में इन पर ध्यान दें। मशीनरी व फिर स्टार्ट आदि से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएँ भी आएंगी, परंतु जल्दी ही यह हल भी हो जाएंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ नई योजनाएं पर विस्तार होगा। दोस्तों सेल टैक्स GST आदि से जुड़े कार्यों को जल्दी ही पूरा कर लेंगे, तो आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों किसी बड़े अधिकारी या फिर राजनीतिज्ञ से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी दिनचर्या में बहुत अधिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय में
आंतरिक सुधार का या फिर स्थान में बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों, दूरदराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो है संपर्क स्थापित होंगे। ऑफिस में ऑफिस का माहौल जो होगा, इसमें राजनीति जैसी गतिविधियों हो सकती है दोस्तों, इसलिए इसमें आपको ऑफिस को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, इसमें पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात को लेकर जो है तकरार हो सकता है। अपने स्वभाव को सजग बनाकर रखें तथा किसी भी बात को जो है अधिक तुलना दें, ये आपके इसमें पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय आपके पति पत्नी के मध्य में चल रहे किसी वाद विवाद का हल भी निकलेगा, क्योंकि दोस्तों, इसमें आप संयम रखने की आपको जरूरत होगी तथा घर का वातावरण भी इससे सुखद और मधुर बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने समय और कार्य को दोनों को नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम प्रसंग भी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों, ध्यान रखें कि इनका प्रभाव आपकी पढ़ाई और फिर करियर पर ना पड़े। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा आपसे मेल मिलाप या फिर आपको खुशी प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में भी प्रगढ़ता समय आने वाली है, लेकिन यह समय आपको इनसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि आप मर्यादा को उल्लंघन ना करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो दोस्तों, यह समय खांसी जुकाम जैसी कोई इन्फेक्शन बढ़ सकती है, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि हार्ट डिजीज या फिर डायबिटीज जैसी परेशानियों के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी लोग इससे पहले पीड़ित हैं, वह इसमें उचित सावधानी रखें, अपनी नियमित जाँच अवश्य करवाएं तथा इनका उचित इलाज लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे।